नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज। मैं पुनीता मिश्रा, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। फल की दुकान में लगी भीषण आग, धू कर जले सामान। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के नौगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर भगत की मशहूर फल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दुकान के मालिक छेदी लाल पुत्र हीरा लाल निवासी सदर थाना क्षेत्र के ग्राम सिसैया निवासी सदर थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। दुकान के मालिक के अनुसार दुकान के अंदर लगभग 2 लाख का सामान था जो जलकर खाक हो गया। वही पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई है और फायर ब्रिगेड को पुलिस और फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल इस सराहनीय कार्य के लिए स्थानीय जनता पुलिस व फायर ब्रिगेड की प्रशंसा कर रही है। फायर ब्रिगेड के जवानों में वाहन संख्या UP 55 4D 168 से वाहन चालक पवन कुमार, फायरमैन अनिल कुमार यादव, शैलेश कुमार सिंह, अनिरुद्ध चंद्र, इंद्रजीत राय, चंद्रभान सुरेश यादव पहुंचकर आग बुझाने में लग गए। वहीं स्थानीय पुलिस SI जयप्रकाश दुबे, SSP देवमणि पाठक, SI रमेश कुमार साहिनी, चंदन कांस्टेबल अजय राणा, जितेंद्र यादव कोबरा हेड कांस्टेबल, अनिरुद्ध प्रसाद कांस्टेबल रविन्द्र चौहान पहुँच गए। क्या नाम है चाचा आपका? निवास रहने वाले कहाँ के? सिसैनिया। ये दुकान आपकी है? किस चीज का कारोबार करते हैं? फल का। कैसे आग लगी? पता नहीं। कितने का नुकसान हुआ होगा? 2.5 लाख। सब जल के खाक हो गया?